हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पनीर पकौड़ा बहुत ही कम मिनटों में और सिर्फ तीन चीज़ों को मिला के पनीर पकौड़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा। ये आप देख सकते हैं, 7 से 8 मिनट में मैंने इसे तैयार कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर पकौड़ा बनाने के लिए हमें कुछ मसाले की ज़रूरत है। लाल मिर्चा पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून जीरा पाउडर। जीरा को मैंने भून लिया था और उसे पीस लिया है और इसमें बेसन में मिला देना है। 1 कप मैंने बेसन लिया है, 1 कप भर के। स्वादानुसार इसमें नमक पड़ जाएगा, थोड़ा सा चाट मसाला, और अब इसका मुझे पतला घोल तैयार कर लेना है। पनीर मैंने 200 ग्राम लिया है, जिसे 6 पीसेस में मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है इस ढंग से, और ये ब्रेड है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बेसन मैंने घोल लिया है और इस कंसिस्टेंसी में आपको बेसन रखना है। इसमें मैंने लास्ट में 1 टी स्पून बेकिंग सोडा भी मिलाया है, बेकिंग पाउडर। अब ब्रेड को थोड़ा सा मुझे गीला करना है, वेट करना है पानी में, और इसका पानी तुरंत निचोड़ के निकाल के इसमें पनीर की फिलिंग डालनी है। ब्रेड को मैंने गीला कर लिया और इसका पानी निचोड़ के निकाल दिया है। अब इसमें पनीर को डाल के इसे पैक करना है और तब बेसन के घोल में इसे मिक्स करके और तब फ्राई करना है। इस तरह से सारा पकौड़ा मैंने तैयार कर लिया है ब्रेड में डाल के। पहले उसे गीला करना है, फिर उसका पानी निचोड़ के निकाल के उसमें पनीर फिल करना है। चलिए अब इसे बेसन के घोल में डाल के फ्राई करते हैं। और इस तरह से स्पून से आप धीरे से निकालें और इसे तेल में डाल दें। तेल गरम हो गया है, और एक एक करके सारा पकौड़ा तलकर निकाल लेना है। है ना, ये 2-in-1 पकौड़ा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पकौड़ा है। आप भी बना के ट्राई करें। तो इस तरह से हम सारा पकौड़ा तल के निकाल लेते हैं। ये पकौड़ा बहुत ही अच्छा फूल गया है और ये तैयार हो गया है। उलट पुलट करके इसे अच्छी तरह से सेक लें। मैंने मीडियम फ्लेम पे आंच रखा है। ये लीजिए पनीर पकौड़ा बहुत ही कम मिनटों में, 8 मिनट के अंदर मैंने इसे तल लिया है तैयारी करके। बहुत ही कम मिनट में आप इसे बना सकते हैं। और अब इसमें मुझे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है टेस्ट के लिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, झटपट रेसिपी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।